हाय फ्रेंड एंड वेलकम। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ज़्यादा मोस्ट वॉन्टेड स्टोरी। कहा जाता है इस प्लेस पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होते हैं, ये है ब्रिज वाटर ट्राइंगल। कहा जाता है ये सबसे ज़्यादा वॉन्टेड प्लेस मानी जाती है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स की, और इसको तजबी दी जाती है बरमूडा ट्राइंगल से। सिमिलरली यहाँ पर भी बरमूडा ट्राइंगल की तरह एक नहीं कई मिस्ट्रीज हैं, और कहा जाता है इसकी हर एक मिस्ट्री अनसॉल्व मिस्ट्री है। यहाँ पर वो साइटिंग्स के अलावा बिग फुट की साइटिंग हो जाती है, फुटवुड गी की साइटिंग हो जाती है जो कि एक ट्रोल है। इसके अलावा भी बहुत सारी साइटिंग इसके इधर होती हैं जिसका जिक्र मैं आगे चल के आपसे करता हूँ। हाल फिलहाल इस टॉपिक के ऊपर आते हैं और मैं आपको बताता हूँ ये जगह क्या है। बेसिकली ब्रिज वाटर ट्राइंगल फैला हुआ है 200 स्क्वायर माइल के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा रकबा कहलाता है। यहाँ पर दो टाउन आ जाते हैं जो कि बड़े बड़े टाउन हैं, और कहा जाता है वहाँ के लोगों ने इधर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखी। ना सिर्फ वहाँ के लोगों ने बल्कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं ट्रैवल के लिए, उन्होंने भी बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर नोटिस की हैं। नंबर वन पर आते हैं फ्री टाउन फायर हॉल स्टेट फॉरेस्ट, ये भी वाक़ है मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में। इस फॉरेस्ट के बारे में ये मशहूर बात है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगों के वाक़ात हो चुके हैं। यहाँ पर 1980 में, इसके अलावा 1991 में, इसके अलावा 1979 में यहाँ पर फायर के वाक़ात हो चुके हैं। यहाँ तक कि 2001 में भी इसमें एक बार आग लग चुकी है। बताया जाता है और भी इधर छोटे बड़े आग के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन ये आगे जो पहले मैंने आपको बताई है ये बड़ी आगे लगी थी। कहा जाता है बहुत बड़ा इस फॉरेस्ट का रकबा जला हुआ है। वहाँ पे रहने वाले लोकल्स के मुताबिक ये एक कर्स प्लेस है, इस वजह से यहाँ पे बार बार आग लगती है। सिर्फ यही वाकयात यहाँ नहीं मिलते, यहाँ पे बहुत सारे मर्डर्स हो चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारी सुसाइड हो चुकी है। इसके अलावा भी यहाँ दीगर क्राइम एक्टिविटीज़ होती हैं। ये जगह मिस्टीरियस भी है, और कहा जाता है यहाँ पर भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नोट की जा चुकी हैं। हम आते हैं यहाँ की दूसरी प्लेस पे। यहाँ की दूसरी प्लेस है प्रोफाइल रॉक्स। कहा जाता है ये भी एक हॉन्टेड रॉक है जिसमें इंसान की छवि सी बनी हुई है इस रॉक के अंदर। प्रोफाइल रॉक को इन्हें यहाँ की लैंडमार्क रॉक भी कहा जाता है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा हॉन्टेड स्टोरी एसोसिएटेड है। कहा जाता है यहाँ पर एक घूस की साइटिंग होती है जो रात के किसी वक्त यहाँ पर नज़र आ जाता है। बहुत सारे लोगों ने इसकी साइटिंग की है। कहा जाता है इसका हुलिया कुछ अजीब सा है। जिन लोगों ने इसकी सेटिंग करी है वो बताते हैं इसके हाथ पैर मुड़े हुए होते हैं और ये बड़े क्रीपी अंदाज में चल रहा होता है। कुछ लोगों ने बताया कि इस प्रोफाइल रॉक के पास दिखता है, जबकि कुछ लोगों ने बताया इस प्रोफाइल रॉक के ऊपर बैठा हुआ नज़र आता है। कहा जाता है पूरा प्रोफाइल रॉक का एरिया वो हॉन्ट करता है, और यहाँ लोगों को उसकी बहुत ज़्यादा सेटिंग हो चुकी है। तीसरा हम आते हैं ब्रिज वाटर स्टेट यूनिवर्सिटी। इस मकाम के ऊपर कहा जाता है बहुत सारे रूम बने हुए हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और कहते हैं इसके डिफरेंट रूम्स में ये शिकायत मौसूल हुई है कि यहाँ पर घूस साइटिंग हुई है। कहा जाता है यहाँ पर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे दरवाजों का हिलना, आवाज़ों का आना, शोर का सुनाई देना, और आहटे सरसराहटे, इसी तरह की डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ यहाँ पर नोट की जा चुकी हैं। सिमिलरली इसी से आगे आगे एक स्कूल वाक्य है जिसे हॉर्नबिन स्कूल कहा जाता है, उससे भी बहुत सारी स्टोरी इसी तरह की एसोसिएटेड है कि वहाँ पर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। चौथा हम आते हैं टॉन्टन स्टेट हॉस्पिटल। यहाँ पर आने वाले पेशेंट्स और विजिटर्स ने बहुत बार शिकायत की है कि यहाँ पर कुछ हमारे को घूस साइटिंग्स हो चुकी हैं। इसके अलावा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का वहाँ पर बहुत लोगों ने जिक्र करा, जैसा कि वो अपने पेशेंट के रूम में बैठे हुए और कोई ना कोई चीज़ खुद ही हिलना शुरू हो जाती है। ये एक बार नहीं बहुत बार हुआ, और डिफरेंट पेशेंट्स और विजिटर्स के साथ हुआ। ये भी एक कन्फर्म्ड पैरानॉर्मल प्लेस है। कहा जाता है यहाँ डॉक्टरों ने भी बहुत ज़्यादा साइटिंग्स की हुई हैं। इस हॉस्पिटल में कोई एक जगह नहीं बल्कि काफ़ी रूम्स में इस तरह की साइटिंग्स के वाकयात हुए हैं, और तकरीबन बहुत लोगों ने इसकी शिकायत वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को करी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती। और इस जगह पर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी डे वन से जिस तरह होती हैं उसी तरह होती आ रही है। ये थी इसकी हिस्ट्री और मिस्ट्री, और ये वो प्लेसेस थी जहाँ पर कहा जाता है सबसे ज़्यादा साइटिंग्स होती हैं। अब आते हैं यहाँ पर घूस एक्टिविटीज़ के ऊपर, यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ लोग नोट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर नोट की जाती है वो है एक अनआइडेंटिफाइड साइटिंग्स। कहा जाता है वो UFO की साइटिंग होती है, जिसमें एक UFO नज़र आती है लोगों को जो हवा में आ रही होती है, और उसकी रोशनी बहुत तेज़ जल रही होती है। ये साइटिंग का जो वाक़या है UFO की, ये एक वहाँ पर रहने वाले रेजिडेंट की कहानी नहीं, बल्कि वहाँ पर रहने वाले बहुत सारे रेजिडेंट ने ये शिकायत करी है कि हमने इसकी साइटिंग की है। एक मिथिकल स्टोरी की माना जाता है क्योंकि उसके एविडेंसेस इतने ज़्यादा कवर नहीं हुए। इसके अलावा कहा जाता है वो ऑब्जेक्ट जिसको देखा जाता है वो एक थंडरबर्ड है।
ये भी स्टोरी इसी से एसोसिएटेड है। थंडर बर्ड इनके आगे एक मशहूर लीजेंड है जो कि 12 फिट का एक बर्ड होता है, जो कि बहुत बड़ा बर्ड होता है। कहा जाता है ये घूस्ट एक्टिविटी होती है जो नज़र आ रही होती है, और वो जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है वो कोई घूस्ट होता है। दूसरे वाक्यात में आ जाते हैं, यहाँ पर एनिमल साइटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ये कोई आम एनिमल नहीं होते जो हम रूटीन में देखते हैं। कहा जाता है बड़े डिफरेंट किस्म के और अजीबो गरीब से एनिमल्स इनको नज़र आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो साइटिंग होती है वो है एक बहुत बड़े सांप की। कहा जाता है वो सांप दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा, वो इतना बड़ा सांप होता है। जिन लोगों ने उसकी साइटिंग की हुई है उन लोगों के मुताबिक उसका मुंह बहुत बड़ा होता है, जबकि उसका कद भी यानी कि उसकी जो लंबाई होती है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और उनके मुताबिक वो उनके ऊपर अटैक भी करता है। दूसरी स्टोरी यहाँ पर मिलती है एक बड़े खूंखार डॉग की जो यहाँ पर नज़र आता है लोगों को, और एक जो वहाँ पर वाकया हुआ था उसमें एक आदमी ज़ख्मी भी हो चुका है उस डॉग से, लेकिन उस बात का कोई पुख्ता एविडेंस इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि वो आदमी एक ड्रंक था यानी कि शराबी आदमी था जिसने उसकी साइटिंग करी थी, और उसी ने बताया था कि इस जानवर ने मुझे काटा है। अब कहा जाता है वहाँ पर डिफरेंट और भी जो है ख़तरनाक एनिमल्स होते हैं छोटे बड़े, जो उसके ऊपर ये अटैक कर सकते थे, लेकिन उस डॉग की साइटिंग काफ़ी लोगों ने की हुई है। कहा जाता है वो एक इंसान के अगर जितना बड़ा डॉग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक शक्ल वाला डॉग है। तीसरा वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो विजिबल होने वाली चीज़ है वो है एक गाँव। ये गाँव एक आदमी ने नहीं बल्कि कई लोगों ने इसकी साइटिंग की हुई है। कहा जाता है ये बड़ी मिस्टीरियस सी गाँव है जो अक्सर इधर उधर जाते हुए नज़र आ जाती है। इसकी बैल की आवाज़ से लोग मुतवज्जा होते हैं, और जब कोई उसको देख लेता है तो एक तरफ चली जाती है उस बंदे को देख के। ये वो गाँव है जिसकी साइटिंग बहुत सारे लोगों ने की है, और एक बार नहीं कई बार की है। एनिमल्स में यहाँ पर सबसे ज़्यादा मशहूर कैरेक्टर येटी की भी साइटिंग होती है। इस इलाके में येटी की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और ये वाकयात काफ़ी ज़मानों से चले आ रहे हैं कि येटी यहाँ पर मौजूद है। इसके भी कोई पुख्ता एविडेंसेस आज तक नहीं मिले। कुछ कदमों के निशान यहाँ ज़रूर नोट किए गए थे। अब कहा नहीं जा सकता वो येटी के थे या किसी और के क्रिएचर के, लेकिन ये एक एविडेंस वहाँ पर मौजूद था कि उसके कदमों के निशान वहाँ पर नोट हुए। येटी की साइटिंग वहाँ पर रहने वाले रेसिडेंट्स ने एक बार नहीं कई बार की है, और बकौल उनके कि ये क्रिएचर हमें रात में मिल जाता है अगर हम डार्क नाइट में निकले। अब हम आ जाते हैं जो दीगर क्रिएचर यहाँ पे नज़र आते हैं उनकी डिटेल में आपको देता हूँ। एक वहाँ का लीजन कैरेक्टर है जिसको पुटवुट गी या पुटवुट जी कहा जाता है। कहा जाता है इसकी साइटिंग भी यहाँ बहुत लोगों ने की है। जाता है इसको भी आप इस जंगल में देख सकते हैं। पुटवुट गी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग बनाया हुआ है, अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एक और स्टोरी यहाँ पे मैजिक मैजिशंस विच क्राफ्ट के साइंस मिल जाते हैं। वहाँ के रेजिडेंट्स के मुताबिक ये ट्रायंगल का जो रकबा है ये कर्ज करा है इन्हीं लोगों ने। आज भी वहाँ कहीं ना कहीं जो है इस तरह की विच क्राफ्ट एक्टिविटीज़ और सुपर नेचुरल सोसाइटी के जो मेम्बर्स हैं नज़र आ जाते हैं। कहा जाता है वो यहाँ पर अजीबो गरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं। ये इस जगह की एक बंदे ने नहीं बहुत बंदों ने बात बताई है कि यहाँ पर इस तरह के काम होते हैं। जबकि अगर इस हिस्ट्री में हम जाते हैं यानी मैसाचुसेट्स के इलाके की अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो इस मकाम पर ये डार्क हिस्ट्री मिलती है ज़मानों से, 3 सेंचुरी और उससे भी पुरानी सी हिस्ट्री मिलती है कि यहाँ पर ये काम होते थे। दोस्तों लास्ट अब हम आ जाते हैं यहाँ की रियल और असल पैरानॉर्मल स्टोरी के ऊपर। ये है यहाँ पर होने वाली घूस एक्टिविटीज़ की स्टोरी, जो कि कहा जाता है रियल है। इसको रियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की लोगों ने साइटिंग भी की है, एविडेंसेस भी कलेक्ट किए जा चुके हैं। इस मकाम पर लोकल अथॉरिटीज़ ने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करी। इसके अलावा इस मकाम पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी बहुत बार आ चुके हैं। इसके अलावा इस जगह को बहुत सारे टीवी चैनल्स ने भी कवर करा है, और तकरीबन सभी लोगों के मुताबिक यहाँ पर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उनके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके हर इक्विपमेंट्स में यहाँ पर एविडेंसेस नोट किए जा चुके हैं। ना सिर्फ एविडेंसेस नोट किए जा चुके हैं बल्कि कुछ साइटिंग्स भी वहाँ पर नोट कर ली गई थी। सबसे ज़्यादा किसी शेडो का दिखना, जो कि बहुत ज़्यादा आम बात है वहाँ पर। इसके अलावा आवाज़ों का आना, ये भी बहुत आम सी बात है वहाँ पर। एक वहाँ पर क्रिएचर दिखता है जो कि ट्रीज के ऊपर बैठा हुआ दिखता है, लेकिन वो एक अनकन्फर्म्ड क्रिएचर है, उसका पता नहीं है अभी तक किसी को कि वो है क्या। उसकी साइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वो डार्कनेस में ही दिखता है और डार्क ट्रीज के ऊपर वो बैठा हुआ होता है। जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके मुताबिक ये पुटवुट घी होता है जो वो नज़र आता है, जबकि दूसरे लोकल्स के मुताबिक वो पुटवुट घी नहीं होता, वो कोई और क्रिएचर है जिसका पता नहीं चलता वो क्या है। ये जगह, ये मकाम एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अनसॉल्व जगह है। इसके बारे में वहाँ पर रहने वाले खुद कहते हैं कि हमें खुद ये जगह समझ नहीं आती कि यहाँ की मिस्ट्री आखिर है क्या।
इतने लोग जब किसी जगह को पैरानॉर्मल करार देते हैं तो वहाँ पर लाजमी बात है कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। ये भी कहा जाता है एक ट्राइंगल नुमा जगह है जैसा कि बरमूडा ट्राइंगल है, और ये भी उसी तरह की मिस्ट्री क्रिएट करे हुए हैं जिस तरह बरमूडा ट्राइंगल ने अपनी मिस्ट्री क्रिएट करी है। लोगों को ना समझ आने वाले ये वाक्यात ज़मानों से चले आ रहे हैं और ना जाने कितने ज़मानों तक चलते रहेंगे। दोस्तों, होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।